हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे लौकी का रायता। लौकी का रायता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक लौकी जो 300 ग्राम की है। तो सबसे पहले हम लौकी को अच्छे से वॉश कर लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे और उसके बाद हमें इसे कद्दूकस करना है। तो ना तो हमें मोटे वाले से कद्दूकस करना है और ना तो बारीक वाले से, मध्यम आकार वाले कद्दूकस से हम लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लौकी को कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब हमें लौकी को उबलने के लिए रखना है गैस के ऊपर, तो मैंने पैन में ट्रांसफर कर लिया है। आप किसी कटोरे, भगोने, कढ़ाई किसी में भी लौकी को उबाल सकते हैं। आधा ग्लास मैंने पानी डाला है और इसे गैस पे रख दिया है। ढक्कन हम ढक देंगे और उबाल आने का वेट करेंगे। और उबाल आने के बाद लगभग 10 मिनट तक हम लौकी को पकाएंगे। आप चाहें तो लौकी को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर प्रेशर कुकर में भी उबाल सकते हैं, आपको जैसे भी पसंद हो। मैंने मध्यम आकार वाले कद्दूकस से कद्दूकस किया है, आप चाहें तो मोटे वाले से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए लौकी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और हमारी लौकी पक चुकी है। लगभग 10 से 15 मिनट तक मैंने इसे उबाल लिया है और ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। इस तरह से कद्दूकस करने से लौकी बहुत जल्दी पक जाती है। तो अब इसे हम फ्लेम से नीचे उतार देंगे और हम ठंडा होने देंगे। तब तक हम बनाएंगे रायते के लिए मसाला। मैं थोड़े अलग तरह का रायता बना रही हूँ और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर जार, उसमें ऐड किया है 2 छोटे चम्मच काले वाले सरसों के दाने। आप काले वाले सरसों भी ले सकते हैं, चाहे तो पीले वाले भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़े से काले सरसों के दाने आप ज़रूर डालिएगा। रायता बहुत स्वादिष्ट बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है एक हरी मिर्च और ये है 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इसे हमें पीस लेना है। तो ये देखिए मैंने पीस लिया है और बिना पानी के पीसना है, पानी मैंने नहीं ऐड किया है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी मत डालिएगा। तो ये मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है और लौकी भी हमारी ठंडी हो गई है। तो इसका जो पानी है उसे हम निचोड़ कर निकाल देंगे इस तरह से। तो जो लौकी का पूरा पानी हमें नहीं निचोड़ना है, थोड़ा पानी इसमें आप रहने दीजिए, नहीं तो लौकी का स्वाद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से ये देखिए थोड़ा पानी मैंने निकाल दिया है, लेकिन थोड़ा पानी मैंने इस तरह से छोड़ दिया है। अगर आपने लौकी को बड़े टुकड़ों में काटा है तो इसी तरह से आप निचोड़ लें और ये जो पानी है इसे पौधों को दे दें या फिर सब्जी में यूज कर लें। और इसके बाद हम मिलाएंगे अपने रायते में और बाकी की चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है रायते में ये जो मसाला मैंने बनाया था और इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। तो यहाँ पे लिया है मैंने 300 ग्राम लौकी, तो कम से कम इसमें 250 से 300 ग्राम दही जरूर जाएगा। आप 2 चम्मच दही रायते में एक्स्ट्रा डालिए, लेकिन कम नहीं डालिए। दही से ही रायता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है। तो ये लगभग मैंने 300 ग्राम इसमें दही भी डाल दी है। मैंने 1 किलो टूट की दही जमाई थी और मैंने आधा से ज़्यादा दही इसमें डाल दी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार सादा नमक और ये जाएगा 1 छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है रायते में। और ये 1 छोटा चम्मच काला नमक जरूर ऐड कीजिएगा। और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन, आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा अजवाइन भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट देती है रायते को। आप एक बार इस तरह से रायता बनाकर देखिए, बहुत पसंद आएगा आपको। तो सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और आप चाहें तो रायते में हींग, जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का भी लगा सकते हैं। पर्सनली मुझे तड़के वाला रायता थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे तड़का नहीं लगा रही हूँ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरा धनिया का रायते में। और एक बार ये बिना तड़के वाला रायता बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी लगता है ये खाने में। आप इसे नाश्ते में खाइए रोटी सब्जी के साथ या फिर दाल चावल के साथ सर्व कीजिए, रोज़ बनाइए या फिर किसी स्पेशल ओकेजन पे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और फॉलो कीजिए। तो ये देखिए हमारा रायता बनकर बिल्कुल तैयार है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।